मुझे मुद्दे भेजे कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण है और मुझे भाषण में क्या क्या कहना चाहिए। जब मैं उन मुद्दों को पढ़ रही थी, उन सुझावों को पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि ज्यादातर नकारात्मक बातें थी और मेरे मन में ये बात आई कि क्या हमारी राजनीति आज सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप में फंस गई है। क्या इससे आगे भी कोई राजनीति हो सकती है? इससे बढ़कर भी हम कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो जनता की मतलब की बातें हों? देखिए, भारतीय राजनीति की नींव स्वतंत्रता के आंदोलन से मैं डली थी। स्वतंत्रता का जो हमारा आंदोलन था, उसे सत्याग्रह का नाम दिया गया था, तो सत्य की लड़ाई थी, तो हमारी पूरी राजनीति की जो नींव है वो उसी लड़ाई में है, तभी डली। तो हमारी एक परंपरा रही है हमारे देश की कि हम नेताओं में सभ्यता, सरलता, सादगी और सच्चाई ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे नेता हो जिनमें ये स्वभाव हो। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की बुराई, हम मंच पे आते हैं, आपको गिनवा देते हैं कि इनके क्या गुण हैं और अवगुण हैं, वो हमारे गिनवा देते हैं। और मुझे अक्सर लगता है कि इस बीच जो जनता के असली मुद्दे हैं वो डूब जाते हैं। आजकल शोहरत, बड़े बड़े बिजनेस वालों को देश की संपत्ति सौंपने की राजनीति, अहंकार की राजनीति चलती है। मैं भी जब यूपी गई तो मेरे साथियों ने बोला, दीदी बड़ी गाड़ी में बैठो। मैंने कहा, क्यों? कहते भोकाल होना चाहिए। तो आजकल भोकाल की राजनीति है, शान शोहरत की राजनीति है, और कहीं पे बीच में जो जनता की समस्याएं हैं, जो सत्य है इस देश का, वो डूब रहा है। यहां खड़े होकर ये कहना बहुत आसान है, दूसरों की आलोचना करना बहुत आसान है। आखिर राजनीतिक सभ्यता को कायम रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की ही होती है। लेकिन दो दिनों पहले की बात है, विपक्ष की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, तमाम विपक्षी दल के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता आए। उसी दिन या अगले दिन प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया, और इस बयान में उन्होंने कहा कि जितनी भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, एक झटके में प्रधानमंत्री जी ने जैसे सब धान 22 पसेरी, सबको चोर बोल डाला। इतने वरिष्ठ नेता, अपने अपने प्रदेशों के प्रतिनिधि, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता, जिन्होंने आजीवन देश के लिए संघर्ष किया, जिनका देश प्रदेश में आदर है, जो जनता के मुद्दे उठा उठा कर आगे बढ़े राजनीति में, उनका इस तरह का अपमान प्रधानमंत्री जी ने खुद कर दिया। और दूसरी तरफ देखिए, मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है आपस में, महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने
77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि ये कितना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने, एक वाक्य बोला, और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जन आक्रोश लिखा है, ये जन आक्रोश किस बात का? ये जन आक्रोश आपके ही मुद्दों पर है कि नहीं है? और यहां खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूं। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूं कि कितनी घोषणाएं नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूं कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहां आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूं, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूं। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूं क्या है, महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं, ये तो है ही। जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूं मैं। वो बात कर रही हूं कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाठशाला तक जा रहे हैं उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। तो ये सिर्फ टमाटर के भाव की बात नहीं है, ये बात आपके जीवन की है कि किस तरह आप गुजारा कर पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, सबसे बड़ा बोझ इन पर है, समाज का बोझ, महंगाई का बोझ मेरी बहनें उठाती हैं सबसे ज्यादा। आज रसोई के लिए सामान खरीदना है, तेल खरीदनी है, वो भी नहीं मिलती। गैस का सिलेंडर मिलता तो था, उसमें गैस भरना ही मुश्किल हो गया है। आज आपको खरीदने जाना है तो 1000 रुपए से कम नहीं मिल रहा। बच्चों की परवरिश कैसे होगी? सुबह उठ के आप अगले दिन का सामना कैसे करते हैं? कोई बीमार पड़ जाता है तो घबराहट उनकी भी होती है और इस बात की भी होती है कि मैं दवाई कहाँ से खरीद के लाऊं। घर पे बीमार पड़ा है लेकिन दुकान जाकर इतनी महंगाई है कि दवाई ही नहीं मिलेगी, मैं क्या करूं? आज ये है आपकी परिस्थितियां। तो इस बीच मुझे उचित नहीं लगता कि यहां आकर मैं फिजूल की बातें करूं, मैं दूसरों की बार बार आलोचना करती रहूं। मुझे ये उचित लगता है कि हर चुनाव में, हर प्रदेश में, हर गांव में, हर मोहल्ले में जब कोई नेता जाता है तो उसे जनता के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा।